आप देख रहे हैं डीजीआई न्यूज योर ऑन नेटवर्क। देश दुनिया की खास खबरें और इस वक्त जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं वो खबर कृष्ण नगरी की है, मथुरा के हाईवे की है, हाईवे के गोवर्धन चौराहे की है, जहां पर कि एक शख्स ने खुद को आग के हवाले कर दिया। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथी रॉकी गुप्ता जिला अस्पताल से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं हमसे। जी रॉकी जी, क्या जानकारी मिली है, कौन है ये शख्स और किस लिए कहां पर इसने अपने आप को आग के हवाले किया? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इस वक्त की बड़ी खबर मथुरा से है, मथुरा के कृष्णा नगर चौकी की खबर है। ये जो एक व्यक्ति था, ये जो मजदूरी करता था और ये जो है वहाँ कृष्णा नगर में जो रैन बसेरा है वहाँ पर रैन बसेरा में ये रहता था। और कल रात को किसी बात को लेकर किसी से कोई झगड़ा हो गया था और ये अपनी फरियाद को लेकर वहाँ कृष्णा नगर चौकी गया तो वहाँ से इसको भगा दिया गया पुलिसकर्मी द्वारा, वहाँ से भगा दिया गया। ये फिर दोबारा गया तो वहाँ से फिर दोबारा इसको गाली वाली देकर वहाँ से भगा दिया गया। इसने वहाँ की पास की पेट्रोल पंप से 50 रुपए का पेट्रोल लिया और इसने अपने ऊपर जो है पेट्रोल डाल के अपने आप को आग लगा ली। इसकी सूचना जैसे ही यानी थाने के सामने आग लगी हुई आदमी को पुलिस ने देखा तो उनके पैरों के नीचे से जमीन सड़क गई और इन्होंने जो है तुरंत जो है जिला अस्पताल को इसको जो है रेफर कर दिया। जहां से रेफर करने के बाद में जिला अस्पताल इसको लेके आए तो जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने इसको जो है आगरा के लिए रेफर कर दिया चौक। और ये जो है अभी हमारी डॉक्टर धर्मवीर से बात हुई थी तो डॉक्टर धर्मवीर ने हमको बताया कि कम से कम इसकी हालत गंभीर है और गंभीर हालत में इसे आगरा रेफर किया जा रहा है। और गोवर्धन चौराहे की घटना है ये या चौकी के सामने की घटना? बिल्कुल 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 मैं आपको बता देता हूँ, ये गोवर्धन चौराहे की ही घटना है कृष्णा नगर चौकी की। अगर पुलिस ही लोगों की फरियाद नहीं सुनेगी तो किसकी सुनेगी? योगी सरकार है, योगी सरकार एक तरफ दावा करती है कि पुलिस हर तरह से हर किसी की बात सुनेगी, पर यहाँ तो पुलिस किसी की भी नहीं सुन रही है। अब देखना यह है कि योगी जो अपना वादा करते हैं उस वादे को पुलिस प्रशासन कैसे निभा रहा है। योगी जी जो वायदा कर रहे हैं वो वायदा किस तरह से पुलिस कर्मी निभा रहे हैं जी, ये रॉकी गुप्ता बता रहे हैं। और जो शख्स है उसका नाम वगैरह कुछ बताया गया है? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो वगैरह वो मध्य प्रदेश का रहने वाला है, हेमंत नाम है इसका। बारे में उसकी स्थिति चिंताजनक आपने बता ही दी है जी, बताए जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है मध्य प्रदेश का रहने वाला है, यहाँ पे मजदूरी करने आया था और यहाँ एक पास के ही कृष्णा नगर में रैन बसेरा वहाँ पर वो रहता था। अच्छा, मध्य और इसका नाम कहाँ का रहने वाला? नाम मध्य प्रदेश का ही ये बताया गया है प्रॉपर। और क्या नाम है इसका? नाम है हेमंत नाम है इसका। उम्र करीब 40 से 45 की उम्र इसकी बताई गई है। ये वाक्या कब का है? ये वाक्या रात को 9 बजे का है, रात को 9:30 के बीच का वाक्या है। तो अभी तक हमारे साथ रहे हमारे साथी रॉकी गुप्ता, जिन्होंने दी जानकारी जिला अस्पताल से कि गोवर्धन चौराहे पर जिस शख्स ने रात्रि में आग लगाई, अपने आप को आग के हवाले किया, उसकी हालत चिंताजनक है और उसे चिंताजनक हालत में आगरा के लिए रेफर किया गया। मामले की तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन एक 29 साल का लड़का था, वो जली हुई अवस्था में आया था, नाम था उसका हेमंत, MP का मोस्टली वो रहने वाला था दिल्ली, और 88% से 92% करीबन वो जला हुआ। क्या हालत है उसकी? हालत उसकी गंभीर थी, इसलिए उसको आगरा रेफर कर दिया।